भजन की पंजाबी में लिखा गया भजन है। ये भजन उस समय का है महाराज जी, जब हमारे प्रधान जी जेल के अंदर थे और इन्होंने अंदर बैठ कर के ही इस भजन को लिखा था। तो गौवाली दिन दे जान जय मां जय मां जय मां। मेरा प्यारा देश महान, वो मेरा सोना हिंदुस्तान, रख दे हाथां विच हथियार, कर दे गौआं नाल प्यार, सोने सिंगणियां दे लाल जी बन दे बुचड़ां दा जो काल, जिन्हों देख कसाई कंब दे, हिंदुआं नूं उस ते माण। मेरा प्यारा देश महान, मेरा सोना हिंदुस्तान, कदे मणियां दे दे सपना, कदे शेर कासना खान, गौ रक्षक मेरे देश दे, देश दे गौआं लई दिन दे जान, मेरा प्यारा देश महान, मेरा सोना हिंदुस्तान। जिन्ना कम धर्म दा करना पैंदा जुल्मानू तना ते जरना, ओने मौत कोलों की डरना, हुंदा सफल ओना दा मरना, जो होण गौआं लई कुर्बान, ओह सदा अमर हो जान। मेरा प्यारा देश
महान मेरा सोना हिंदुस्तान। कदी मणिया दे सपना कदे शेर कासना खान गौ रक्षक मेरे देश दे देश दे गौं लई देंदे जान। ए माता जिस दी कुंती पिता चरण दास अखवान गुरु सरबण दास सतीश दे जो रखन सदा त्यान एह कम धर्म दे आऊगा वीर कम धर्म दे आऊगा मेरा वीर हो के कुर्बान मेरा वीर हो के कुर्बान मेरा प्यारा देश महान मेरा सोना हिंदुस्तान। हो कदे मणिया देंदे सपना कदे शेर कासना खान गौ माता की जय हो। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यनिजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पंजाब के रूपनगर की गोपाल गौशाला में इस समय समवेत हुए विविध संस्थाओं के प्रमुखगण, गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित जीवन धर्मवीरगण, आदरणीय मातृशक्ति और धर्मप्रेमी सज्जनों, गाय अगर महत्व बताने की कोशिश की जाए तो बड़ा संकोच मन में होता है कि विश्व के सबसे बड़ी, सबसे पुरानी संस्कृति, सनातन संस्कृति, विश्व में सदा से जिसकी पूजा की गई, जिसकी अर्चना की गई, जिसके लिए राजाओं ने राज छोड़ा, जिसके लिए लोगों ने प्राण छोड़े, जिसके लिए स्वयं भगवान कई बार अवतरित हुए, उस गाय का महत्व हमको बताना पड़े, वो भी सनातनी जनता को। कोई दूसरा आ जाए और वो पूछे कि भाई आपके यहाँ गाय का बड़ा महत्व बताया गया है, थोड़ा हमको भी सुनाइए, तब तो ठीक लगता है कि भाई ये उस परिवेश से परिचित नहीं है, हो सकता है इसके मन में जिज्ञासा। लेकिन जो सनातनी घर में जन्मा, उसको ये बताना पड़े तो मन में संकोच होता है, लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से जो हिंदू समुदाय है उसको अपने धर्म ग्रंथों के वाचन का, श्रवण का अवसर नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देश को आज़ाद घोषित किया गया और जिस सनातन संविधान से हमारा जीवन चलता था उन शास्त्रों को एक तरफ रख दिया गया और कहा गया कि एक नई किताब बनेगी, उस किताब से सब लोग अपना जीवन अब चलाएंगे। परिणाम क्या हुआ कि बाकी जो इस देश के लोग थे उन्होंने अपनी किताबें नहीं छोड़ी, केवल और केवल हम सनातनी हिंदुओं ने अपनी किताब छोड़ करके जो नई किताब बनाई गई थी उसको अपना सर्वस्व मान लिया। मुसलमानों ने कुरान छोड़ा? नहीं छोड़ा। ईसाइयों ने बाइबिल छोड़ी? नहीं छोड़ी। बौद्धों ने धर्मपद छोड़ा? नहीं छोड़ा। सिखों ने, हालांकि उनको अलग कहने में भी बड़ा संकोच होता है, लेकिन उनमें से कुछ कहते हैं कि हम अलग हो गए। अगर उनको अलग भी मान लें तो उन्होंने अपनी किताब, जिसको उनके गुरुजी कह गए कि अब यही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा, उसको छोड़ा। जब किसी ने अपना अपना ग्रंथ नहीं छोड़ा तो हम हिंदुओं ने अपने वेद क्यों छोड़ दिए? छोड़ दिया कि नहीं? कोई मुसलमान आए या उसके घर चले जाओ, जिसका आपने जाना हो उसके घर में जाके कहो कि जरा कुरान दिखाइए, गरीब से गरीब होगा वो कुरान निकाल के आपको दिखाएगा। गरीब से गरीब ईसाई के घर में चले जाइए, जरा बाइबिल दिखाओगे वो कहेगा हाँ हाँ ये लीजिए, उसके घर में होगी।
लेकिन अभी रूपनगर में चले हिंदुओं के घर में, क्यों जी वेद भगवान का दर्शन होगा? कितने लोगों के घर में है बताओ, है आपके घर में वेद भगवान का दर्शन हो सकता है? गिने चुने कोई कोई होंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 99% के घर में नहीं है। तो क्या मामला है? मामला यह है कि हम अपनी जड़ों से कट गए। अगर हमारी जड़ें जुड़ी रहती हमारे आरंभ से, जड़ का मतलब जहां से हमारी शुरुआत हुई, हमारी शुरुआत कहां से हुई? वेदों से हुई। आपने सुना तो होगा ही कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो कैसे हुआ? प्रलय काल में सारा संसार पानी में डूब जाता है, जल प्रलय कहते हैं उसको। तो उस समय सातों समुद्र एक हो जाते हैं, पृथ्वी पूरी तरह से नीचे चली जाती है, सब पानी ही पानी, पानी के सिवाय कुछ नहीं। उसी में ब्रह्मा जी की 1000 चतुर्युगी बीतती है, पूरी रात्रि ब्रह्मा की कही जाती है, वो बीतती है, फिर सुनहरी सुबह होती है, तो फिर सृष्टि का आरंभ होने को होता है। उस सृष्टि के आरंभ में शेषनाग की सैया पर, शेषनाग क्या है? शेषनाग की सैया का मतलब है जब प्रलय हुआ तो सब कुछ डूब गया। तो सब कुछ डूब गया, अगर ये मान लें तो ये प्रश्न उठ जाता है कि फिर तुमको कैसे पता? जैसे अगर ये गौशाला का ये प्रांगण है, यहाँ अपने लोग इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और धीरे धीरे सब लोग चले जाएं, और फिर दूसरे दिन हम लोग आए लौट करके, क्यों भाई रात को यहाँ कोई था कि नहीं था? तो एक आदमी खड़ा होगा, वो कहेगा जी कोई नहीं था। अगर यहां कोई नहीं था तो कोई ये कैसे बता सकता है कि कोई था कि नहीं था? इसका मतलब है कि सब तो चले जाएंगे लेकिन एक बच जाएगा, चौकीदार, वो रात को यहां पहरा देगा, और जब सवेरे लोग आएंगे पूछेंगे क्यों रात को कोई आया, तो वो क्या कहेगा? कोई नहीं आया, यहां कोई नहीं था। कोई नहीं था ये बात कहेगा कौन? जो रात को रहा होगा वही कह सकता है, लेकिन कह क्या रहा है? कोई नहीं था। और जबकि सच्चाई ये है कि वो तो था। इसका मतलब है कि जब प्रलय काल आता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन सब कुछ समाप्त होने पर भी एक शक्ति शेष रहती है। जैसे आप गुणा भाग करते हो तो भाग लगाते हो तो उसमें भाग फल जाता रहता है, फिर एक कोई संख्या शेष रह जाती है। वो जो शेष है, माने सब कुछ जब जल में डूब गया उस समय कोई एक शक्ति है जो बची रहती है, वो जो बची रहने वाली शक्ति है उसी का नाम है शेष, क्योंकि वो शेष माने बचा रहने वाला भाग। तो वो जो शेष है उसी की नाग की कल्पना हम लोगों ने की है, उसी शेष के ऊपर शेषशायी भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, जो योग निद्रा में रहते हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ, ये प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते हैं। और उसी समय भगवान श्री विष्णु की जो श्वास है वो ब्रह्मा जी के कानों से आकर के टकराती है, और कानों के माध्यम से टकरा करके उनके हृदय में पहुंच जाती है। उसी से उनको ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ, क्यों हूँ, और फिर वो सृष्टि की रचना करने लगते हैं। ये जो पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को हुआ, ये कैसे हुआ? उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, नहीं तो कैसे काम करते बिना जानकारी के? तो उनको उनके हृदय में ज्ञान का उपदेश करने का कार्य भगवान की श्वास करती है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जाकरी श्वास सहज श्रुतिचारी,
जिसकी सहज श्वास के रूप में चारों वेद प्रकट हो गए। भागवत जी के मंगलाचरण में लिखा हुआ है, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, जिसने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में वेदों का विस्तार कर दिया वो भगवान नारायण। उन्हीं को सत्य कहा जाता है, उन्हीं को नारायण कहा जाता है, उन्हीं को शेष कहा जाता है और उन्हीं को अनंत कहा जाता है। शेष इसलिए कि वही बचे रहते हैं जब कोई नहीं रहता है उस समय, अनंत इसलिए कि उनका अंत नहीं होता है, नारायण इसलिए कि जल में वो अपना घर बनाते हैं, और इसी तरह से उनके अनेक और नाम हैं। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि सृष्टि के आरंभ में जब हमको पहले पहल ज्ञान की जरूरत पड़ी तो भगवान के निश्वास से हमको वेद प्राप्त हुए और उन्हीं वेदों का व्याख्यान ब्रह्मा जी ने अपने चार मुख से किया, इसीलिए वो चार कहे जाते हैं। वो वेद ज्ञान की राशि हैं, उसी में भूत भविष्यत वर्तमान सबका ज्ञान निहित है। हम चारों तरफ घूम रहे हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अगर वेद का ज्ञान हमको होता तो हमको पता होगा कि क्या होगा, लेकिन हमने वेदों का आश्रय लेना छोड़ दिया। और बाकी लोग अपनी अपनी किताब लेकर के अपने मूल से जुड़े हुए हैं, जब से उनका आरंभ हुआ तब से वो किताब उनको मिली है और वहीं से वो चले हैं, वो अपना अपना काम करते चले जा रहे हैं, और हम अपनी किताब को, अपने मूल को, ज्ञान के प्रकाश को छोड़ चुके हैं, इसीलिए आज अंधेरे में भटकने के लिए बाध्य हो गए हैं। अगर हमने वेदों को पढ़ा होता तो हमको गाय का महात्म्य जानकारी में होता, माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः, इसी तरह के जाने कितने वचन गौ माता की स्तुति में हमारे वेदों में गाए गए हैं। उनको, उनके बारे में बताया गया है कि इनको अपमानित नहीं किया जा सकता, मारना तो दूर, गाय को मारा नहीं जा सकता, थप्पड़ से भी नहीं मारा जा सकता, तलवार की तो बात दूर है, पैर से ठोकर मारने वाले को नरक में जाना पड़ता है, ये वहां पर विधान किया गया। हिंग कृणवती, ये जो मंत्र है इसी हिंग कृणवती मंत्र के आरंभ से हिम शब्द ले लिया गया है और अंत से दू शब्द ले लिया गया है, इसी से हमको हिंदू नाम मिला है, गाय के कारण हमको हिंदू नाम मिला। इसीलिए हिंदू होने की पहचान क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप कैसे पता करोगे कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, हिंदू होने की क्या पहचान है, तिलक चंदन चोटी ये भी पहचान है, लेकिन ये असली बहुत बाद में इनका नंबर आता। पहली पहचान ये है गोशु भक्तिर्दृढ़ा यस्य, हमारे यहां बताया गया है कि जिसकी गाय में दृढ़ भक्ति होती है वो हिंदू होता है। गौ भक्त होना हिंदू होने की पहचान है, और हम गाय को बुला चुके। जिस गाय को हमारे वेदों ने कहा पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है, उस गाय को हम पशु मान करके बैठ गए, और वो जो आजादी हमने पाई, आजादी के बाद की जो सरकार आई उसने अपनी सूची बनाई कि हमारे देश में कौन कौन सी चीज है जिनका बाद में हमको देख रेख हमको करनी है। जैसे कोई अगर इस गौशाला का चार्ज लेगा तो रजिस्टर देखेगा कि यहाँ क्या क्या है और क्या क्या बाद में हमको बढ़ाना है, तो ऐसे ही अंग्रेजों से जब चार्ज लिया गया कि हमको देश हमारा सौंपो तो उन्होंने सूची दी, वो सूची आज भी केंद्र की सरकार के पास है, सभी राज्यों की सरकार के पास सूची है कि हमारे पास क्या क्या है। उस सूची में एक पशुओं की सूची है कि हमारे पास पशु हैं, कौन कौन से पशु हैं ये दर्ज है कि ये पशु इतने, ये पशु इतने, ये पशु इतने, हर राज्य सरकार के पास ऐसी सूची है और केंद्र सरकार के पास भी ऐसी सूची है।
जानते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास जो पशु की सूची है, आपकी गौ माता का नाम उसी में लिखा हुआ है। आप कहते हैं गौ माता और आपकी सरकार कहती है गौ पशु, मैचिंग है? गाय पशु है? अगर पशु है तो माता कैसे होगी? तो पशु नहीं है गाय, वो माता है, इसीलिए उसको पशु की सूची में नहीं रखा जा सकता, उसको माता की सूची में रखना पड़ेगा, उसके लिए अलग शीर्षक बनाना पड़ेगा। और अगर ये शुरू में ही बना दिया गया होता तो ये समस्या ना आती जो आज आपके सामने आ रही है। पशु को मार करके उसके मांस के विक्रय का व्यापार सब देशों में चल रहा है, भारत भी उसी में से है। और चूंकि गाय भी पशु में लिखी गई है, इसलिए जैसे और पशुओं का मार करके उनका मांस बेचा जा रहा है, ऐसे ही गाय को भी मार करके उसका मांस बेचा जा रहा है। देखिए, अगर गाय पशु है तब तो फिर बाकी भी जो पशु हैं, अगर हम केवल जीव दया के आधार पर आगे बढ़ें कि भाई किसी भी पशु को, किसी भी प्राणी को नहीं मारा जाना चाहिए, तो फिर गाय को भी नहीं मारा जाना चाहिए। जैसे हमारे जैन बंधु कहते हैं, वो कहते हैं गाय हमारे लिए कोई विशेष नहीं है, लेकिन जीव दया, किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए गाय को भी नहीं मारना चाहिए। ये तो ठीक है, उनकी उनका दृष्टिकोण है, लेकिन हमारा क्या दृष्टिकोण हो सकता है? हमने तो गाय को माता कह के पुकार दिया। अगर हम भी पशु कहते तो इतना दोष ना होता, लेकिन दोष क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने माता कह के पुकारा। एक तरफ हम माता माता कह के पुकार रहे हैं और एक तरफ उनके मांस को, उनको काट करके उनके मांस का व्यापार करके खजाना भर रहे हैं। ये हो सकता है? आप ये सोचो कि क्या कोई मुसलमान जिसको माता कहता होगा उसको काट के उसका मांस बेचेगा? क्या कोई ईसाई जिसको मां कहता होगा उसको काट के उसका मांस बेचेगा? बेचेगा? कोई नहीं बेच सकता। ये हिंदू है, थूकने का मन, धिक्कार है मां, गौ माता की जय हो। आरती उतारेंगे घर में, पहली रोटी छोटी सी बना करके कहेंगे कि हम गौ माता की रोटी निकाल रहे हैं। एक तरफ तो इतनी भक्ति दिखाएंगे और दूसरी तरफ गाय के मांस का व्यापार हो रहा है विश्व में। उस कार्य में भारत सबसे आगे बढ़ता चला जा रहा है और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हीं को समर्थन दिए चले जा रहे हैं, उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। वही सबसे बड़े धर्म के रक्षक हो गए। गौ हत्यारा धर्म का रक्षक हो सकता है? उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अरे हिंदुओं, ये तुम्हारे ही पूर्वज थे। रात को अगर गले में रस्सी बांध करके उसको खूंटे से बांध देते थे और रात को किसी कारण से वो मर जाती थी, तो जिसने रात को गले में रस्सी बांधी थी उसको गौ हत्या लगा देते थे कि तुमने बांधी थी इसलिए गौ हत्या तुमको लगेगी। घर से निकाल देते थे मुंडन करा के, फूटा बर्तन हाथ में दे करके कि जाओ 14 दिन तक भीख मांग के खाओ, फिर गंगा स्नान करके शुद्ध होकर के तब आना, तब घर में घुस सकोगे। और जब वो भीख मांगने के लिए जाता था तो उसको गांव में भी घुसने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग कहते थे कि हम गौ हत्यारे का मुंह नहीं देखना चाहते। इसीलिए जब वो गांव के बाहर जाके खड़ा होके चिल्लाता था कि हमसे गौ हत्या का पाप हो गया है, भूख लगी है, कोई कुछ खाने के लिए दे दो, तो लोग छोटे छोटे उनका मुख देखेंगे तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे अभी अबोध हैं और एक भूखे व्यक्ति को भोजन भी मिल जाएगा, इस तरह से दोनों काम सद जाएगा।
गौ हत्यारे का हम मुख भी नहीं देखना चाहते थे, और कहां अब बड़े प्यार से उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं और वो गौ मांस का व्यापार बढ़ाते चले जा रहे हैं, और हम उनसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई ये करो। कैसी स्थिति हमारी हो गई, बहुत कठिन परिस्थिति है। और जो मूल बात हमको आपको बताने की आवश्यकता है उसकी तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि देखिए गाय अपने देश में कितनी थी और अब कितनी है, और आगे कितने दिन में कितनी रहेगी उसको पहले समझ लीजिए। हमने शास्त्रों में देखा कि कहीं से हमको पता चले कि कितनी गाय थी हमारे यहाँ, तो हमने शास्त्रों में देखा, आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, भागवत जी में नृग राजा का उपाख्यान पढ़ लेना। नृग राजा बड़े गौदानी थे, लेकिन एक बार गौदान किया उन्होंने, दो ब्राह्मणों को अलग अलग गाय दी और एक ब्राह्मण की गाय दूसरे के झुंड में जाकर के मिल गई, और फिर उन्होंने दी गई गाय का पुनर्दान कर दिया भूल से, उसके कारण उनको गिरगिट की योनि में जाना पड़ा। और वो गिरगिट की योनि में जा करके ये कुएं में पड़े हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उनका उद्धार हुआ। जब उनका उद्धार हुआ तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप बड़े गाय के दानी थे, कितनी गाय आपने दिया है, कितने गौदान आपने किए। तो राजा नृग बताते हैं कि कितनी गाय मैंने दी ये आप जानना चाहते हैं? कहाँ, बोले कि पूरी धरती में धूल के जितने कण हैं उनको आप गिन लीजिए, बस उतनी समझ लीजिए कि हमने गाय दी होगी। तो सुनने वालों ने कहा कि ये तो असंभव है, धरती में धूल कितनी है उसके कण कितने हैं, एक एक कण गिनना संभव ही नहीं है, ये नहीं हो सकता, किसी दूसरे तरीके से बताइए। कहा तो ऐसा करिए कि बरसात जब होती है तो उसकी बूंदें गिन लीजिए कि कितनी बूंद गिरी, वो तो अलग अलग बूंद गिरती है। कहा यह भी संभव नहीं है, पता नहीं चल पाएगा कि कितनी बूंद गिरी। कहा तो ठीक है, जिस दिन आकाश साफ हो उस दिन रात को अपना सिर ऊपर करिए, आकाश में तारे दिखाई देंगे, उन तारों को गिन लीजिए, जितने तारे निकलेंगे उतनी गाय हमने दान किया है। इसका मतलब कि इतनी गाय दी कि गिनती नहीं है, असंख्य असंख्य गायों का दान अगर राजा नृग ने किया, इसका मतलब असंख्य गाय रही भी तो होगी, बिना रहे थोड़े दे देंगे। कितनी गाय थी हमारे यहां, वो देश है ये, गायों से भरा हुआ था। फिर समय बीतता है, सतयुग के बाद त्रेता आ जाता है, त्रेता में गायों की संख्या देखिए, राम जी के जीवन का वर्णन रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी जब जंगल जाने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उनकी माता कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांग लिया राजा दशरथ से, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में वन में जाए राम, भरत राजा बने, ऐसा वरदान उन्होंने मांग लिया। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन राम जी को जब पता चला तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं पिताजी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, माँ की आज्ञा ही काफी है, मैं प्रातः काल होते ही जैसा माता चाहती है वन में चला जाऊंगा, और फिर तैयार हो गए। तो उसमें लिखा हुआ है कि राम जी के मन में विचार आया कि मुझे तापस वेश बनाना है, तपस्वी का वेश, जैसे तपस्वी होते हैं तो तपस्वी का वेश बना लें। तो कोई भी व्यक्ति तपस्वी का वेश बना सकता है, अगर मान लो ये तपस्वी का वेश बना लें, ये बना लें, कोई भी बना लें, तो वेश अगर बनाएगा और वैसा गुण उसके अंदर नहीं होगा तो उसको ढोंग माना जाएगा कि ये ढोंगी है। ढोंगी कौन होता है?
जो वेश तो कैसा भी बना दे लेकिन वेश के अनुसार उसका अंतर्मन ना हो। मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, केवल कपड़ा रंगा लेने से काम नहीं बनता है, मन भी साथ में रंगा हुआ होना चाहिए। तो राम जी ने सोचा कि अगर केवल वेश बना लूंगा तो मैं ढोंगी समझा जाऊंगा, इसीलिए मुझे जैसे गृह त्याग किया जाता है वैसे ही करना चाहिए। तो गृह त्याग का क्या नियम है कि जो कुछ आपके पास है सब बांट करके एकदम खत्म कर दो, कुछ ना रहे, किसी न किसी को दे दो। तो लोग प्रायः घर वालों को सब कुछ सौंप करके अपना नाम खारिज करा के निकल जाते हैं कि भाई अब हम हमारा कुछ नहीं रहा यहाँ चले। तो राम जी ने भी सब कुछ उनके पास जो था, उस समय तक वो युवराज भी नहीं थे राजा भी नहीं थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, तो पुत्र होने के नाते उनको अपना महल मिला हुआ था, रहने सहने के संसाधन मिले हुए थे, सोना चांदी के आभूषण मिले हुए थे जितना वो पहनते थे आदि आदि। तो राम जी ने वो सब बांट दिया, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, यहाँ तक कि अपने सोने का जो पलंग और गद्दा और तकिया था वो भी बांट दिया कि अब कुछ नहीं है हमारा। और फिर देवड़ी से बाहर तपस्वी का वेश बना के आए कि हम त्यागी हो गए अब हम चले। उसी समय एक त्रिजट नाम का ब्राह्मण उनके सामने आ गया। त्रिजट ब्राह्मण ने कहा कि राम जी आपने बहुत कुछ बांटा है, हम अभी देर में सुन पाए, हमको भी कुछ दीजिए, हमको जरूरत है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि अब क्या करें, हमने तो सब कुछ बांट दिया, आप किसको क्या दें। तो लक्ष्मण जी ने कान में कहा भैया अभी गायें बाकी हैं, आपने जो आपके महल में चीजें थी वो दान किया, आभूषण आदि दान किए, वस्तुएं दान की, गऊएं अभी हैं आपके पास, आप दे सकते हैं। कहा लेकिन अभी बंटवारा तो हुआ नहीं है कि मेरी कितनी। कहा कि एक छोटा अंश आप दे सकते हैं। तो राम जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता आपके हाथ में जो लाठी है इसको ताकत से घुमा करके फेंकिए, जितनी दूर तक ये लाठी पहुंच जाएगी उतनी देर में जितनी गायें खड़ी हो सकती हैं वो आपकी हो जाएंगी। तो त्रिजट नाम के ब्राह्मण ने जो दुबला पतला था, आशा ये थी कि थोड़ी दूर जाएगी उसकी लाठी, कमजोर है, लेकिन जब किसी को कुछ प्राप्ति की इच्छा होती है तो उसकी ताकत अंदर बढ़ जाती। त्रिजट की भी ताकत बढ़ गई, उसने लाठी घुमा के जो फेंकी तो सरजू के पार जा करके गिरी। तब से सरजू पारी नाम के ब्राह्मण हो गए। सरजू पार तक जा करके लाठी गिरी, लाखों गायें उसके अंतर्गत आ गईं, लेकिन रामचंद्र जी ने जैसा संकल्प किया था उसी के अनुसार उतनी गायें उसकी हो गईं। और फिर रामचंद्र जी निकल करके चले गए। बाद में 14 साल के बाद आए, राम राजा बने, आप लोग जानते हैं। और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी राज्य करते समय प्रतिदिन गौदान करते थे, और उन्होंने कितनी गायों का अपने जीवन में दान किया, 10,000 करोड़ गायों का दान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में किया, 10,000 करोड़ गाय का दान। कितनी गायें रही होंगी अपने यहां कि एक राजा ने 10,000 करोड़ गायों का दान कर दिया, इसका मतलब बहुत सारी गायें थी अपने पास। उसके बाद द्वापर में देखिए कृष्ण भगवान का आविर्भाव हुआ। आप लोग सुनते ही हैं कि नंद बाबा के यहाँ वो चले गए, माता पिता को छोड़ करके गाय की सेवा करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि राम के रूप में जब वो आए थे तब वो गौदान तो खूब किया उन्होंने, लेकिन गाय की सेवा करने का मौका उनको नहीं मिला क्योंकि राजकाज में लग गए। एक बार व्यक्ति राजकाज में लग गया तो फिर उसको टाइम नहीं मिलता है अपने मन की चीज़ों को करने का। तो गौ सेवा का उनका मन था लेकिन गौ सेवा का अवसर मिला नहीं, इसीलिए कृष्णावतार में उन्होंने शुरुआत में ही माता पिता का घर छोड़ दिया और सीधे नंद बाबा के यहाँ चले गए ताकि गौ सेवा का अवसर मिल सके, और वहाँ खूब गौ सेवा की। उनके जो पालक पिता थे नंद बाबा, उनका नाम नंद इसलिए हुआ था, वो नंद उनका नाम नहीं था, नंद उनकी उपाधि थी। हमारे यहाँ ये बताया गया है कि जिसके पास 1 करोड़ गाय होती है उसका नाम होता है महानंद, जिसके पास 50 लाख गाय होती है
उसका नाम होता है वृषभानुवर। जिसके पास 10 लाख गाय होती है उसका नाम होता है वृषभानु। राधा जी जिनकी पुत्री थी उनके पिता का वृषभानु थे, माने उनके पास 10 लाख गाय थी। और जिसके पास 9 लाख गाय होती है उसको कहते हैं नंद। तो इनके पास 9 लाख गाय थी। इसी तरह से 5 लाख गाय जिसके पास होती है वो उपनंद कहलाता है, और जिसके पास नीचे आकर के 10,000 गाय होती है वो गोकुलाधिपति कहा जाता है। जहाँ 10,000 गाय एक साथ रहती है उस जगह का नाम या तो ब्रज होता है और या तो गोकुल होता है। जैसे 10,000 विद्यार्थी जहाँ रहते हैं उस जगह को गुरुकुल कहते हैं, उसका जो मुखिया होता है वो कुलपति कहलाता है, उसी तरह से 10,000 गाय जहाँ रहती है उस जगह का नाम गोकुल होता है और उसका जो मुखिया होता है वो गोकुलाधिपति होता है। ये गिनती है। तो नंद बाबा के यहाँ चले गए जिनके यहाँ 9 लाख गायें थीं और उनकी सेवा भगवान ने की। और बाद में जब द्वारकाधीश बनकर के द्वारका चले गए तो वहाँ पर भागवत जी में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है, उस अध्याय में आप लोग जा करके पढ़ लेना, वहाँ लिखा हुआ है कि भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, उसके बाद ये करते थे और फिर नित्य गौदान करते थे। गौदान के लिए पहले से उनके लोगों के की नियुक्ति थी। वो लोग सुंदर नस्ल की 10,800 गायों को प्रतिदिन तैयार करते थे। उनके खुरों में और सींगों में सोना मढ़ा जाता था और उनके शरीर पर विविध आभूषण सजाए जाते थे। ऐसी सालंकृता 10,800 गायों का दान श्री कृष्ण प्रतिदिन किया करते थे। कितनी गाय रही होगी, 10,800 रोज गाय गौदान कर रहा है। इसी तरह से द्वापर के अंत में आपने देखा विराट राजा का वर्णन महाभारत में आता है, जहां पर पांडव जाकर के छिपे थे अज्ञातवास के लिए। तब कौरवों की बैठक हुई दुर्योधन के नेतृत्व में कि ये पांडव कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है, इनको खोज लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि द्यूत की शर्त ये थी कि 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर अज्ञातवास के समय पांडव देख लिए गए, पहचान लिए गए, तो फिर से वही 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। तो इसलिए दुर्योधन की बड़ी इच्छा थी कि अज्ञातवास के समय ही पांडवों को खोज लिया जाए ताकि वो वापस लौट ना सकें। और इसके लिए उन्होंने जासूस लगाए, पूरे देश में जासूस घूमते रहे लेकिन पांडवों का पता नहीं कर पाए। अंत में जब समय बीतने वाला था, साल पूरा होने वाला था, तब दुर्योधन ने मीटिंग बुलाई कि हमारे जासूस फेल हो गए। तब पितामह भीष्म से पूछा, आप बड़े ज्ञानी हैं, पांडवों का आपको अनुभव है, हमारा भी आपको अनुभव है, आप हमारे लिए निश्चित रूप से अच्छा भाव रखते हैं, आप कोई तरीका बताइए जिससे हम पांडवों को खोज सकें। महाभारत में लिखा हुआ है कि पितामह भीष्म ने कहा कि देखो एक पहचान है, उससे तुम पांडवों को खोज सकते हो। का क्या पहचान? का पहचान ये है कि पांडव इस समय जहां होंगे वहां गायों की संख्या बढ़ रही होगी। क्योंकि युधिष्ठिर जब राज्य खांडव प्रस्थ में कर रहे थे तो उन्होंने गौ संवर्धन को बहुत बढ़ावा दिया था। और उनके पास कितनी गायें थी? 40 कोस, 40 वर्ग कोस। जितनी जमीन होती है उतनी दूर में तो उनकी गायें सुबह शाम इकट्ठा होती थी चरने जाने के लिए। 40 वर्ग कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, इसका मतलब 120 किलोमीटर स्क्वायर। उतनी जैसे हमारे गांव में लोगों पर, आप यहाँ पता नहीं है कि नहीं है, अधिकतर पुराने गांवों में एक गोष्ठ होता है, गोस्थान, जहाँ पर गांव भर की गायें सवेरे इकट्ठा होती हैं, फिर वहाँ से चरवाहे लेकर के जाते हैं, शाम को लाके वहीं खड़ा कर देते हैं, फिर वो अपने अपने घर में चली जाती। तो वो जो जगह है गोठान,
120 स्क्वायर किलोमीटर का उनके यहां था, कितनी गायें रही होंगी। तो भीष्म पितामह ने बताया कि तुम केवल एक काम करो कि हर राजा के यहां से डाटा मंगवा लो कि किसके यहां कितनी गाय है और इधर एक वर्ष में किसके यहां गाय में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है वही, और जिसके यहां गाय हृष्ट हो, पुष्ट हो, सुखी हो, खूब ज्यादा दूध देने लग गई हो, ये सब जिस राज्य में हो समझ लो उसी में है, वहीं पर कुछ करो जिससे पता चल जाए। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, तुरंत उसने आदमी लगाए, सारे राजाओं के यहां का जो गाय का डाटा था वो निकलवा लिया, और निकलवा करके देखा तो विराट नाम के जो राजा थे उनके यहां गायों की संख्या में और गायों की तंदुरुस्ती में बढ़ोतरी दिखाई दी। भीष्म पितामह को दिखाया, उन्होंने कहा बिल्कुल पक्का समझ लो यही है पांडव, क्योंकि पांडव जहां रहेंगे वो गौ का पोषण करेंगे, स्वभाव है उनका। कहा अब कैसे उनको निकालें कैसे, कहा निकालने का सीधा तरीका है कि विराट की जो गाय है उनका अपहरण कर लो। तो जब गायों का अपहरण करोगे तो पांडव गायों को बचाने के लिए निकल के आ जाएंगे, वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि अगर हम देख लिए गए तो 12 साल फिर से हमको वन में रहना पड़ेगा। अपने दुख की परवाह किए बिना वो गौ माता की रक्षा के लिए निकल करके आगे आ जाएंगे। और ये तरकीब बिल्कुल कारगर रही। आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा सुना होगा कि कौरवों ने सेना लेकर के आक्रमण किया, जहां गायें विराट राजा की चल रही थी, लाखों की संख्या थी, उन्होंने घेर करके उनको हांक लिया और लेकर के जाने लगे। चरवाहे दौड़ करके राज्य में गए, सूचना हुई कि कौरवों की सेना हमारी सारी गायों को अपहरण करके लेके चली जा रही है। राजा विराट अपने पुत्र राजकुमार उत्तर के साथ उनका सामना करने के लिए आए सेना के साथ, लेकिन कौरवों की सेना के सामने उनकी पराजय होने लग गई। ऐसे समय में पांडवों ने मोर्चा संभाल लिया, अर्जुन आए उत्तर के सामने, कहा उत्तर भागो मत, गायों का बचाना बहुत जरूरी है। कहा कैसे बचेंगे, हम तो पराजित हो रहे हैं। कहा चिंता मत करो, हम हैं। तो उत्तर हंसने लगा, क्योंकि अर्जुन उस समय बृहन्नला बन गए थे, एक वर्ष का उनको उर्वशी का शाप था कि वो नपुंसक हो जाएंगे, तो उसी रूप में वहां रह रहे थे। कहा कि तुम हिजड़े, तुम जो है गऊओं की रक्षा करोगे, हम जैसे वीर तो कर नहीं पा रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि उत्तर तुम जानते नहीं हो मैं अर्जुन हूं। कहा अर्जुन गांडी उधारी अर्जुन? कहा हाँ। तब जाकर के उत्तर को भरोसा हुआ, रथ पे आरूढ़ हो गए अर्जुन। कहा मेरा रथ वो गांव के बाहर जो समी का वृक्ष है उसमें ले चलो। समी के वृक्ष में सब लोगों ने अपने अपने हथियार छुपा रखे थे, वो निकाले और फिर उन्होंने कौरवों को ललकारा, युद्ध हुआ और विराट की जितनी गायें थी उन सब की रक्षा करके पांडवों ने विराट को सौंप दिया। दुर्योधन ने कहा हमारा काम बन गया, एक वर्ष की अज्ञात वास की अवधि में आप लोग देख लिए गए, इसलिए अब आप लोग फिर से जंगल जाइए। लेकिन सहदेव जी ज्योतिषी थे, उन्होंने गणना करके सिद्ध कर दिया कि एक वर्ष का अज्ञात वास एक दिन पहले ही पूरा हुआ है, इसलिए अब यह शर्त लागू नहीं होगी। खैर, हमारा यहां कथानक बताना उद्देश्य नहीं है, हमारा ये बताना उद्देश्य है कि तब भी राजाओं के पास लाखों लाखें गाय थीं, वो संवर्धन कर रहे थे। इसी तरह से कलयुग में भी अनेक वर्णन आए हैं जब हमारे देश में करोड़ों करोड़ गायें थीं। जैनों के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनकी जीवनी में आया है कि उनके पिताजी के पास 8 गोकुल थे, मतलब 80,000 गायें थीं। और इसी तरह से अन्यत्र भी, तो गायों की संख्या कभी तो अनंत थी, फिर धीरे धीरे गिनती में आ गई। और इधर अगर एकदम पास में चले आए तो हमारी आज़ादी के समय, देश जब आज़ाद हो गया उस समय देश में गायों की गिनती हुई, उस समय मनुष्यों की भी गिनती हुई थी। उस समय मनुष्य हम थे भारत के निवासी 30 करोड़ और हमारे देश में गाय थी 78 करोड़, उतनी ही बची थी।
अरबों में से 78 करोड़ बची हुई थी 75 साल पहले। अब 75 साल में क्या हुआ? 75 साल में यह हुआ कि हम तो हो गए 150 करोड़, 30 करोड़ थे अब 150 करोड़ हो गए, 5 गुना हमारे संख्या में वृद्धि हो गई। तो गाय की संख्या में भी 5 करोड़, 5 गुना की वृद्धि होनी चाहिए थी। तो 78 करोड़ थी, 2 और मिला के 80 मोटा मोटी समझें तो 80 करोड़ गाय का 5 गुना 400 करोड़ होता है। तो अगर हम 150 करोड़ हो गए तो हमारी ही तरह से हमारी माँ भी तो 400 करोड़ आज होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में कितनी है? अभी 2019 में गिनती हुई है, 17 करोड़ की संख्या बची है। हम 5 गुना बढ़ गए और हमारी गाय 5 गुना घट गई। अब केवल 17 करोड़ बची है और उस 17 करोड़ में जो हमारी असल में गाय है, क्योंकि अब गाय को और गवय को एक साथ गिना जा रहा है, ये भी बड़ी भूल है। गाय जैसी जो चीज़ है उसको भी हम लोग गाय समझ ले रहे हैं, वो गाय नहीं है, जो विदेशी नस्ल की दूध देने वाली चीज़ है उसको भी हम लोग गाय कह रहे हैं दूध देने के कारण, वो गाय नहीं है। क्योंकि जो हमारी गाय के दूध में जो गुण हैं, हमारी गाय के घी में जो गुण हैं, हमारी गाय के मूत्र में गोबर में जो गुण हैं, वो उसमें नहीं है। इसलिए वो हमारी गाय नहीं है, वो गवय है, गाय जैसी है, उसको भी हम गिन ले रहे हैं। और जो संकरीकृत है, संकरीकरण आजकल कर चल गया है, दूध बढ़ाने के लिए संकरीकरण हो रहा है, जो गाय के पेट में डालने के लिए वीर्य बाहर से मंगवाया जा रहा है, और जानते हैं वो वीर्य किसका है? वो एक तरह के सुअर का वीर्य है। जो सीमन आप मंगवा रहे हैं बाहर से गाय के पेट में इंजेक्ट कर रहे हैं, वो एक विशेष प्रकार के सुअर का वीर्य है जो ला करके गाय के पेट में डाल दिया जाता है। उससे जो बच्चा बच्ची होती है वो आधा सुअर होती है और आधा गाय होती है, इसीलिए उसका दूध बढ़ जाता है लेकिन बाकी गुण समाप्त हो जाते हैं। और दूध में भी वो गुण नहीं होता जो गाय के दूध में गुण होता है, आप लोगों ने साफ साफ अनुभव किया होगा। तो उन सब को मिला दिया जाए तब 17 करोड़ है। असल में जो आपकी देशी नस्ल की गाय है वो कितनी है? अगर ये गिनना हो तो कोई गिनती तो है नहीं, लेकिन अभी हम आपके पंजाब के अनेक जिलों की गौशालाओं का निरीक्षण करते हुए आए हैं। आज आपकी गोपाल गौशाला का भी हमने निरीक्षण किया है, हमने देखा कि 300 साढ़े 300 गौ यहाँ पर विद्यमान है ऐसा बताया गया, लेकिन उनमें जो शुद्ध देशी नस्ल की गाय हैं वो तो कमी दिखाई दी। जो पहले जहाँ हमको ले जाया गया था वहाँ तो वो थी, लेकिन बाकी जगह में ऐसी परिस्थिति नहीं थी। तो इसका मतलब है कि उनकी संख्या बहुत कम है और काटने के लिए उनकी मांग ज़्यादा है, क्योंकि जो गाय का दूध पीने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि अगर हम विदेशी नस्ल की गाय का दूध पियेंगे तो हमको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके दूध में कैंसर उत्पन्न करने के गुण हैं। इसीलिए जो लोग निरंतर देशी नस्ल की गाय का दूध पी रहे हैं उनको कैंसर हो रहा है, पूरे देश में हर तीसरे आदमी को अब कैंसर हो चुका है, आपके पंजाब में भी हो रहा है, यहाँ से एक ट्रेन ही जाती है जिसका नाम कैंसर हो गया है। और जो हमारी देशी नस्ल की गाय है उसके दूध में गुण है कि वो कैंसर को ठीक करती है, कैंसर नहीं उत्पन्न करती। तो जो जानने वाले लोग हैं वो देशी नस्ल की गाय का दूध महंगा भी मिले तो उसको लेके पी रहे हैं। उसको वैज्ञानिकों ने, आज के वैज्ञानिकों ने, हमारे धर्मशास्त्रियों ने नहीं, A1 A2 मिल्क का नाम दिया है। जो विदेशी गाय है उसका जो दूध है उसको A1 दूध कहा जाता है, और जो हमारी देशी नस्ल की गाय है उसके दूध को A2 मिल्क कहा जा रहा है। जो A2 मिल्क है वो निरापद है, उसमें समस्या नहीं। इसीलिए जो गाय का मांस खाने वाले हैं वो भी इस बात का विचार कर रहे हैं कि हम अगर मांस खाएंगे तो ये विदेशी नस्ल वाली गाय का नहीं खाएंगे, क्योंकि इससे हमको मांस खाने से भी कैंसर हो जाएगा, क्योंकि दूध भी तो वहीं से आता है, इसीलिए हमको देशी नस्ल वाली गाय ला करके दो, उसका मांस हम खाएंगे। तो देशी नस्ल की गाय खोज खोज करके ले जाई जा रही है, 4 गुना कीमत उसकी मिल रही है कसाईयों से। इसका मतलब है
कि बड़ी तेजी से गौ की संख्या में ह्रास होगा, जो कि हो रहा है। 78 करोड़ की 17 करोड़ हो गई 75 साल में, और आज का आंकड़ा ये है कि 80,000 गाय सरकारी तौर पर आंकड़ा जिनका उपलब्ध है प्रतिदिन काटी जा रही है गौ मांस के विक्रय के लिए, क्योंकि ब्राजील के बाद अब दूसरा नंबर हो गया है भारत का बीफ के निर्यात में। 80,000 गाय रोज, माने लाइसेंस वाले कत्लखाने से, और बिना लाइसेंस वाले कितने हैं उनसे भी इतनी ही काटी जा रही हो। लेकिन अगर हम उतनी ना माने, 20,000 केवल मान लें कि अनौपचारिक रूप से काटी जा रही होगी, तो 1,00,000 रोज होती है। एक साल में 3,65,00,000 कटेगी, और 5 साल में 17 करोड़ खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ बचेगी गाय। तो जैसे हमने बताया था कि जैसे हम फोटो में कृष्ण भगवान और उनकी गाय को देखते हैं, उसमें से अब कृष्ण हमको दिखाई नहीं देते, वो केवल फोटो और मूर्ति में हैं, लेकिन गाय अभी भी जमीन पे हमको चलती फिरती दिखती है। लेकिन थोड़े दिन के बाद, शायद 5-7 साल के बाद, वो मौका आ जाएगा कि फिर कृष्ण भगवान और उनकी गाय दोनों को हमको फोटो में या मूर्ति में ही देखना पड़ेगा। बच्चों को मूर्ति फोटो दिखा के कहना पड़ेगा, ऐसी होती थी हमारी गाय। इतना बड़ा खतरा सामने आकर के खड़ा हो गया है। महाभारत में लिखा हुआ है युधिष्ठिर के पास 10,000 तरह की गायें थी, 10,000 प्रजाति नस्ल, और 10,000 की जो नस्ल थी उनके 80,000 के यूथ बना करके उन्होंने रखा था। 10,000 नस्ल की गाय, हर नस्ल का 80,000 की एक एक गौशाला यूनिट बना के उन्होंने रखी थी, महाभारत में वर्णन है। और 1-2 लाख वाली नस्ल की भी बहुत सी थी, उनकी तो कोई गिनती नहीं। इसका मतलब कि हमारे देश में 10,000 से ज्यादा नस्लें थी गायों की कभी। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उनका भी ह्रास हुआ। जब आज़ादी आई तो हम लोगों ने किताब में, इतिहास में पढ़ा, जहाँ गायों का वर्णन है कि 350 नस्लें थी आज़ादी के समय हमारे देश में, हमारी देश की देशी गायों की। अभी हमने 3-4 महीना पहले दिल्ली में विशेषज्ञों की बैठक बुलाई थी, सतीश जी भी गए थे और भी अनेक आप लोग में से आए थे। वहाँ पर हमने भारत सरकार के मंत्रालय से मांगा कि आपके पास इस समय उपलब्ध देशी गाय हैं, उनकी सूची होगी दीजिए। तो उन्होंने हमको एक कैटलाग दिया जिसमें 53 नस्लों के नाम थे और उनके फोटोग्राफ थे। माने उन्होंने कहा कि बस अब यही 53 हैं हमारे पास, इतनी ही भारत सरकार की सूची में दर्ज है, इससे ज़्यादा दर्ज ही नहीं है। माने 350 से 53 नस्ल हो गई, बाकी नस्लें कहाँ गई, वो लुप्त हो गई। फिर हमने कहा कि अच्छा, अगर हम ऐसा एक कार्यक्रम बनाएं कि जितनी नस्लें हैं इनकी एक एक गाय को इकट्ठा करें, गाड़ी में मंगवाएं एक जगह पर, और उनको कहें कि भाई ये जो इस समय उपलब्ध नस्लें हैं हमारे देश की, उनका दर्शन करने का अवसर है, आइए सब लोग देख लीजिए, तो ये 53 नस्लें तो मिल जाएंगी। तो वो जो विशेषज्ञ बैठे थे उनमें से एक खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज जी 30-35 तो निश्चित रूप से मिल जाएंगे। इसका मतलब 53 में भी 20 की संभावना कमजोर हो चुकी है, वो जान रहा है। अब इतनी घटोतरी हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ दिनों के बाद देशी नस्ल पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग क्या विचार करते हो, गौ कथा करोगे, गौ पूजा का आयोजन करोगे, गौ आरती का आयोजन करोगे, गौ महोत्सव मनाओगे, क्या करोगे? अब ये सब का समय नहीं रह गया, अब तो बड़ी मुस्तैदी के साथ खड़े होने का समय आ गया। इसीलिए अब सतीश जी जैसे जो हमारे गौ भक्त हैं, इनको डू और डाई, जैसे 90 साल तक जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, 80 साल के बाद 1941 में अंततः वो क्षण आ गया कि करो या मरो का नारा देना पड़ गया।
अब गाय के संदर्भ में गौ माता, वो भारत माता की बात थी, ये गौ माता की बात है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि गौ माता ही असल में भारत माता है। क्यों? क्योंकि भारत माता नाम की किसी माता का उल्लेख हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कहीं नहीं है। लेकिन पृथ्वी को गाय का रूप धारण करते हर जगह पे दिखाया गया है। गाय का रूप धारण करके ही ब्रह्मा जी के पास जाके रोई थी, तब राम आए थे, तब कृष्ण आए थे। इसलिए पृथ्वी जो है वो गाय का रूप धारण कर लेती है। जब राजा दिलीप से पूछा गया कि आप तो राजा हैं, राजपाट छोड़ करके गौ सेवा में क्यों लग गए हैं, क्योंकि वो पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ जी की आज्ञा से गाय की सेवा करने लगे थे, आप लोगों ने सुना होगा, तो राजा दिलीप से ये प्रश्न किया गया कि आपको राज्य दिया गया, राज्याभिषेक किया गया, आप राज छोड़ करके गाय की सेवा कैसे कर सकते हो, ये गलत है। तब राजा ने क्या जवाब दिया था? राजा ने जवाब दिया था, जुगोप गो रूप धरा मिवोर भीम, ये जो गाय है ये धरती का ही चलत रूप है, इसलिए मैं गाय की रक्षा कर रहा हूं, माने धरती की ही रक्षा कर रहा हूं। गाय की रक्षा धरती की रक्षा बराबर है। और सच है, जिस दिन अंतिम गाय अपने प्राण छोड़ेगी उस दिन धरती भी धरती नहीं रह जाएगी, मारकाट मच जाएगी। इसलिए हम लोगों को अब करो या मरो की परिस्थिति में जाना है। और इसीलिए हमने कहा था कि ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में हम लोग राजनीतिक दलों के सामने एक बात अपनी मन की रखें। हमने ये नहीं कहा था कि हमारी कोई पार्टी बन जाए उसको वोट दे दें। हमने ये कहा कि राजनीति जो लोग करते हैं ये उन्हीं का काम है, हमारा काम नहीं है। हम लोग तो धर्माचार्य हैं, धर्म का काम हमारा है, राजनीति का काम हमारा नहीं है। लेकिन मतदान करने के पहले हमको सोचना जरूर है कि हमारा वोट लेकर के हमारी ही माँ को मारने का काम तो ये सरकार नहीं करेगी, जिस सरकार को हम अपने वोट से बना रहे हैं। हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माँ को मारे तो ऐसा वोट देना किस काम का। तो इसलिए हमने कहा था कि जब आपके पास कोई व्यक्ति या कोई पार्टी का नुमाइंदा वोट मांगने आए तो आप कह देना, भैया पहले शपथ पूर्वक उद्घोषणा करो कि अगर तुम जीत गए हमारे वोट से तो संसद में जाके पहला काम गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने का और गौ हत्या निषेध कानून बनवाने का करोगे। अगर ये वो कर दे तब उसको वोट दे दो। उससे दो चीज़ होगी, एक तो तुम्हारे माथे गौ हत्या का पाप नहीं आएगा, क्योंकि गौ हत्या करने वाली सरकार है, उसका समर्थन जो करता है तो पाप का समर्थन करने वाला भी पापी हो जाता है। तो तुम्हारे माथे भी गौ हत्या का पाप लग रहा है, उससे तुम बच जाओगे, क्योंकि उसने शपथ ले ली, घोषणा कर दिया, भरोसा करके आपने दे दिया, तो अब आपको पाप नहीं लगेगा अगर वो गौ हत्यारा बना भी रहा तो भी। और दूसरे, जब उसको घर घर में संकल्प कराया जाएगा तो कैसा भी व्यक्ति हो, जब उसके सामने बार बार शपथ लेने की बात आ जाती है कि गाय की शपथ लो, गाय की शपथ लो, तो उसका भी मन बदल जाएगा। फिर वो भी जब संसद में जाएगा तो जा करके अपने जमीर को बचाए रखने के लिए गाय गाय तो चिल्लाएगा, कहेगा, और कहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा लोग जो कहने लगते हैं वो हो जाता है, बहुमत का जमाना है। तो हम लोगों की ये बात, क्योंकि मीडिया वालों को रोक दिया गया राजनीतिक दलों के द्वारा कि इनकी बात को सार्वजनिक मत करो, तो हम लोगों की बात ऐसे ही जितने लोगों से बता पा रहे हैं उतने लोगों में गई। हालांकि लोगों ने संकल्प लिया है, जगह जगह पर जहाँ तक बात चली गई है वो संकल्प ले रहे हैं और प्रत्याशियों से कह रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों से गाय के बारे में नेताओं के वक्तव्य आने लगे हैं। पहले तो गाय की चर्चा ही नहीं हो रही, अब कम से कम गाय के बारे में कुछ कुछ बातें निकल निकल के आने लग गई हैं, लेकिन अभी और कड़क होने की आवश्यकता है। तो आप जहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है अभी वहाँ के लोगों को संकल्प ले लेने की ज़रूरत है। और हम तो ये कहते हैं कि हर हिंदू को ये संकल्प ले लेने की ज़रूरत है कि जब तक गौ हत्या बंद नहीं हो जाती तब तक के लिए हम संकल्प लेते हैं कि उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो प्रत्याशी गाय की शपथ लेकर के हमारे पास आएगा।
यहां इस बात को साफ समझ लो कि हम किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं, ना किसी पार्टी के विरोध में कह रहे हैं कि इसको मत दो उसको दो। हम ये कह रहे हैं कि जिसको आप देना चाहते हो उसी को दो, लेकिन इतना कहलवा लेने के बाद दो, जब शपथ पत्र पे हस्ताक्षर करके दे दे तब दो। अभी हम पीछे आज कहां थे, लुधियाना में, लुधियाना से चले आ रहे हैं। लुधियाना में जब हम गए मंच पे बैठे, वैसे ही एक महिला आ गई, आशीर्वाद दीजिए, उनके भाई या पति जो भी कि हमारे वो चुनाव लड़ रहे हैं अमुक पार्टी से हैं। फिर दूसरी एक महिला आ गई कि अमुक पार्टी से हमारे लड़ रहे हैं, उनको दीजिए आशीर्वाद दे दीजिए। हमने कहा भैया हम आशीर्वाद तो लेके चल रहे हैं अपने साथ झोले में भर के, देने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन देंगे उसी को जो हस्ताक्षर करके हमको शपथ पत्र पूर्वक पत्र दे कि अगर मैं संसद में गया तो पहला काम गौ माता का करूंगा, जो ये कर देगा कल दोपहर 12 बजे तक हम हैं उसको हम आशीर्वाद दे देंगे। ये हमने वहां पर कहा और लोगों को संकल्प भी दिलाया, वहां पर जितने लोग थे सबने खड़े होकर के संकल्प लिया। परिणाम ये हुआ कि आज वहां का एक कैंडिडेट पत्र लिख करके हस्ताक्षर करके हमारे पास आया और चलते चलते भागते भागते कि हमको हम शपथ पूर्वक देखिए उद्घोषणा कर रहे हैं हमारे लिए कह दीजिए। तो हमने चलते चलते वीडियो में बोल दिया कि भाई हमारे यही है, इन्होंने संकल्प किया है, शपथ पत्र पूर्वक पत्र हमको दिया है, इसलिए अब इनको अगर हिंदू वोट देंगे तो उनको गौ हत्या का पाप नहीं लगेगा बल्कि गौ हत्या का पुण्य मिलेगा। तो आप कड़क हो जाइए इस मामले में, और अगर हिंदू कड़क होने लग गया तो देखो कोई राजनीतिक दल हो, ये मत सोचो कि कौन सा राजनीतिक दल हिंदू है कौन सा हिंदू नहीं है, ये राजनीतिक दलों का कोई धर्म नहीं है। उन्होंने घोषणा कर रखी कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, कोई भी दल हो इनका कोई धर्म नहीं है, जहां से इनको वोट मिलता है वही इनका धर्म। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, इनका कुछ अपना नहीं है। जब इनको लगेगा कि गाय की पूजा करने से ही हमको वोट मिलेगा, गौ हत्या बंद करने से ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो ये सब गौ भक्त हो जाएंगे, कम्युनिस्ट तक गौ भक्त हो जाएंगे, हम बता रहे हैं। वो भी कहने लगेंगे, सिंह लगा के आ जाएंगे कि देखिए हमारे तो सिंह निकली है, हम तो बछड़े ही हैं सीधे। लेकिन बस हिंदुओं को उतना कड़क होने की आवश्यकता है। तो आपको आंदोलन करके जान खतरे में नहीं डालनी है, पैसा खर्चना नहीं है, हम भी कोई चंदा इसके लिए नहीं मांग रहे हैं कि हमको 5 रुपया दे दो हम गौ रक्षा आंदोलन चला रहे हैं। आने जाने का खर्चा जहां हम जा रहे हैं सब हमको दे दे रहे हैं, हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवा दे रहे हैं, खाना पीना दे दे रहे हैं, सतीश जी जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम कोई चंदा नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 रुपया चंदा किया नहीं है और आगे भी चंदा करेंगे नहीं। हमने 15 दिन की पदयात्रा की वृंदावन से वहां दिल्ली तक की। लोग कह रहे थे कि शंकराचार्य जी इतिहास में पहली बार पदयात्रा कर रहे हैं किसी उद्देश्य के लिए। अभी तो इधर निकट भविष्य में सुना नहीं गया कि किसी शंकराचार्य ने स्वयं पदयात्रा की हो। आदि शंकराचार्य के बारे में 2500 साल पहले सुना जाता है कि उन्होंने भारत में पदयात्रा की थी, उसके बाद कोई शंकराचार्य पदयात्रा किए हैं? आप पहली बार पदयात्रा कर रहे हैं इसलिए हजारों लोग आपके साथ होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हजारों लोग जब आ जाएंगे तो मान लो कि किराया भाड़ा अपना लगा के वो आएंगे, हमसे नहीं मांगेंगे, ठीक है, लेकिन जब आ जाएंगे तो साथ में रहेंगे चलेंगे तो उनको खिलाना तो पड़ेगा, रात रुकाना तो पड़ेगा, नहाएंगे धोएंगे कहाँ, उसकी व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। तो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लोग आ जाएंगे, शंकराचार्य जी चल रहे हैं उनके साथ चलने का मौका है तो आएंगे, और बहुत से लोग आना भी चाहते थे, लेकिन वो व्यवस्था कैसे होगी, उसके लिए पैसा चाहिए और पैसा के लिए हमको चंदा मांगना पड़ेगा, और हम गाय को चंदे का विषय नहीं बनाना चाहते। गाय का बड़ा अहित इसमें भी हुआ है कि लोगों ने गाय के नाम पे चंदा शुरू कर दिया तो गाय की कदर घट गई। भागवत जी में लिखा है कि जब से दक्षिणा के लोभ में लोग पंडित लोग भागवत सुनाने लगे घर घर में जाके, तब से भागवत का महात्म्य घट गया। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गतः। तो जब किसी को हम इस तरह से भिकमंगई का विषय बना देते हैं तो कितना ही महत्वपूर्ण हो उसका महात्म्य कम हो जाता है। तो इसीलिए
गाय गाय जो है वो लावारिस नहीं है, गाय अनाथ नहीं है, गाय का पालन आप नहीं कर सकते। ये गोपाल शब्द का मतलब ये नहीं है कि जो गाय को पाले वो गोपाल। अगर आपके मन में ऐसी भावना है, गोपाल शब्द का ये अर्थ समझते हो, तो आज से उसको दुरुस्त कर लो। गोपाल का मतलब ये नहीं है कि जो गाय को पाले, गोपाल का मतलब यह है कि जिसको गाय ने पाला है वो गोपाल, गाय ने जिसको पाला वो गोपाल होता है। तो हम लोग गोपाल हैं, हमारे भगवान गोपाल थे क्योंकि गाय ने उनको पाला था, उन्होंने गाय को नहीं पाया। गाय की तो सेवा होती है, माता पिता की रक्षा हम नहीं करते, माता पिता की हम सेवा करते हैं। हम अपने बच्चों को पालते हैं, माँ हमको पालती है, हम माँ को थोड़े पालते हैं। माँ बाप को पाला नहीं जा सकता, माँ बाप की सेवा की जाती है और माँ बाप हमको जरूर पालते हैं। तो इसी तरह से गाय हमारी माँ है, वो हम उसका पालन नहीं कर सकते, वो हमारा पालन करती है, इसीलिए हम उसके पालित हैं, बेटे हैं। तो गाय को चंदे का विषय नहीं बनाना है, इसीलिए हम गाय के लिए कोई चंदा नहीं ले रहे हैं, ना लेने वाले हैं। हमने मना कर दिया, हमने कहा हम थोड़े से लोग जाएंगे जितने में जा सकते हैं, और हम थोड़े से लोग में गए, हमें कोई संकोच नहीं हुआ। क्योंकि जब शंकराचार्य चल रहा है तो वो सब सनातन धर्मियों का गुरु है, तो शंकराचार्य चल रहा है मतलब करोड़ों करोड़ सनातन धर्मी अपने आप चल रहे हैं, उनको चल के दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम आपके प्रतिनिधि हैं तो हम चल रहे हैं माने आप चल रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो क्या बोलता है कि हम 150 करोड़ का प्रतिनिधि आए हैं, 150 करोड़ लोग आपके यहाँ आए। तो ऐसे ही आपका शंकराचार्य आपका धार्मिक प्रतिनिधि है, धर्माचार्य है। अगर वो चल रहा है तो देश की सरकार को समझना चाहिए कि 100 करोड़ सनातन धर्मी चल रहे हैं। तो हमने कहा कि हम चल रहे हैं, इतने में सबका आ गया और हम गए और हम अभी भी जा रहे हैं। धीरे धीरे बात जा रही है, मीडिया को रोक दिया गया है कि इनकी बातों को मत उठाओ, तो कोई बात नहीं है, आज आपने रोक दिया है, आप रोके रहिए अच्छा है, क्योंकि आपके रोके रहने का परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे हमारा अपना मीडिया विकसित हो जाएगा, हम लोग एक दूसरे को अपने ढंग से बताने लग जाएंगे, सूचना तंत्र विकसित कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि हमको दृढ़ होकर के इस कार्य में आगे बढ़ने की जरूरत है। ये मत सोचो कि सतीश और दूसरे जो लोग हैं यही लोग गौ रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये रात को जाग सकते हैं, ये ट्रक को पकड़ सकते हैं, ये जेल में जा सकते हैं, ये भाषण दे सकते हैं, हम तो ये सब नहीं कर सकते, इसलिए हम गौ रक्षा नहीं कर सकते। असल में गौ रक्षा वो हर व्यक्ति कर सकता है जो आज के दिन में वोट दे रहा है। अपने वोट को गौ हत्यारों को मत दो, कसाईयों को मत दो, अपने भाइयों को दो। भाई माने जो आप, जैसे आप अपने माता को गौ माता को माता मानते हो, वैसे ही जो पार्टी जो कैंडिडेट गाय को माता मानता हो उसको दो, वही आपका भाई है। और जो गाय को माता ना माने बल्कि उसको मारे वो कसाई है। जो पशु घात करता है, जो गौ माता के ऊपर घात करता है वो कसाई नहीं तो क्या है। तो कसाई पार्टियों को वोट देना हिंदू छोड़ो, भाई पार्टियों को वोट देना शुरू करो, तो समझो कि आप गौ रक्षक हो गए। अपनी जगह पे बैठे बैठे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक चुनाव में पलट जाए। और कितने लोगों को ये संकल्प लेने की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है कि हर हिंदू को। हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णन है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं, 33 करोड़ देवता। तो वो देवता तो हमने देखे नहीं है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि 33 करोड़ देवताओं के नाम बताओ और उनका चेहरा बताओ, फोटो दिखाओ, कौन से आपके 33 करोड़ देवता हैं जो गाय के शरीर में रहते हैं। तो हमने अब उनको कह दिया है कि हमारी गौ प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा चल रही है, इसी संकल्प यात्रा के माध्यम से हम आपको 33 कोटि देवताओं के नाम भी बताएंगे और उनका फोटो भी दिखाएंगे, क्योंकि जो गौ मतदाता संकल्प कर लेगा वो हमारा देवता होगा। 33 करोड़ लोग अगर ये संकल्प ले लें कि हम उसी को वोट देंगे, तो 33 करोड़ वोट इतने हो जाते हैं कि फिर कोई भी सरकार कोई भी पार्टी 33 करोड़ वोटों की उपेक्षा नहीं कर सकती।
35 करोड़ में सरकार बन बिगड़ सकती है, तो इसलिए 35 करोड़ लोगों को संकल्पित हो जाने की, खड़े हो जाने की जरूरत है और अपना पंजीकरण करा देने की जरूरत है। अभी आज तो नहीं, लेकिन 4-5-7 दिन के अंदर हमारा, हम ऐप बनवा रहे हैं, उसमें 33 करोड़ का एक काउंटर रहेगा। जैसे ही एक व्यक्ति पंजीकृत होकर के अपना नाम और फोटो डालेगा कि मैं गऊ मतदाता बन गया, अब मैं गाय के लिए वोट करूंगा, उसी व्यक्ति को करूंगा जो शपथ पूर्वक घोषणा कर देगा, तो वो एक 33 करोड़ में से एक कम होके इधर आ जाएगा कि भाई अब इतने देवता हो गए। तो 33 करोड़ लोगों को देवता बनाने का अवसर है। बोलो इसमें से कौन कौन है जो गौ माता के लिए देवता बनने के लिए तैयार है? तो खड़े हो जाओ, खड़े होकर के हाथ दाहिना उठा लो और दाहिने हाथ की मुट्ठी बांध लो, और मुट्ठी बांध करके जो संकल्प हम बोल रहे हैं उसको बोलो। किसी के ऊपर दबाव नहीं है, जिसके मन में भावना आई है वही करेगा। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं इसलिए कर दो, मन में स्वयं की भावना होनी चाहिए। हाथ उठा के मुट्ठी बांध लिया, बोलिए मैं, अपना अपना नाम बोल दीजिए, अपना पता निवासी, ये संकल्प करता हूं कि मैं गौ हत्या के बंद होने तक उसी पार्टी या प्रत्याशी को अपना वोट दूंगा जो लिखित रूप से ये घोषणा पत्र हमें देगा, जिसमें उसके हस्ताक्षर अंकित होंगे कि अगर मैं जीता तो सदन में जाकर पहला काम गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित करने का और उनकी हत्या को दंडनीय अपराध घोषित कराने का कानून बनवाने का करूंगा। गौ माता हमारी रक्षा करें, हमारे ऊपर कृपा करें। हर हर महादेव।